तो और गुरु लोग क्या हाल है यार। तो यार मैंने एक वीडियो डाल दिया है, तुम लोगों ने नहीं देखा तो यार जाके जल्दी से देख लो, और तुम लोगों ने फीडबैक दिया नहीं अगर देखा भी है तो यार इसमें कमेंट करके बताओ यार तुम लोग को वो वाला वीडियो कैसा लगा था। फिलहाल बात करते हैं इस वाले गेम प्ले की। तो मैं उतरा था यार मिलिट्री बेस में और यहाँ पे यार मुझे हवा में बंदे दिए जाते हैं और देखो यार कैसे मैं इसको निपटाता हूँ। अब इसका एक टीममेट और रहता है जो कि यार टावर पे चला जाता है और यार ये वाला बंदा बाद में रिवाइव भी हो जाएगा, तो यार मतलब कोई फायदा ही नहीं था यहाँ पे नॉक करने का। यहाँ पे यार मुझे टावर वाला बंदा भी दिख जाता है जो कि यार मतलब नॉक पड़ा था और इसको जल्दी से मैं फिनिश कर देता हूँ क्योंकि यार ये भी बाद में जाके रिवाइव भी हो जाता। और तुम लोग बताओ यार ये वाली नागिन तुमको कैसी लगी। यार मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये लोग ने एक दिन हार्ट अटैक तो देख ही मानेंगे। अब यहाँ पे यार इन लोग की पूरी स्क्वाड फिनिश हो चुकी है, मतलब यही दो बंदे थे, दो बंदे टावर पे उतरे थे और दो बंदे यहाँ पे थे। अब यहाँ पे मुझे कुछ बॉट मिल जाते हैं तो फिनिश करते हैं, निकलते हैं आगे। अब यहाँ से मैं सीधा गाड़ी उठा के आ जाता हूँ पोचिंकी में और ये लोग यार सस्तेने से पता नहीं कभी खत्म होंगे, ऐसा मुझे फील होता है यार सब लोग मेरा ही वेट कर रहे होते हैं क्योंकि यार पता नहीं वो यार कब से वो गाड़ी में बैठा था। फिलहाल यार उसकी स्क्वाड यहाँ पे रहती है। और तुम लोग भी यार बस इसी चीज़ का वेट किया करो, एक बंदे को नॉक करके छोड़ दोगे ना उसके अपने टीममेट अपने आप ही आ जाएंगे उसको रिवाइव देने। और फिलहाल के लिए यहाँ पे साथ से एक बोर्ड था या फिर बंदा था मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि यार यहाँ से मतलब कब से फुटस्टेप आ रहा था। और लो इसको मैं नॉक भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे यार इसकी पूरी स्क्वाड फिनिश हो चुकी है, सामने मुझे एक बोट दिखता है जिसको मैं फायरिंग देता हूँ लेकिन वो कवर में चला जाता है। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा लूटेंगे फिर बोट को मारेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से मैं लूट लाट के निकल ही रहा होता हूँ तभी मुझे थ्री स्टोरी से मतलब फुल स्टेप आ जाता है और यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ बंदों को मारने के लिए। और यहाँ पे यार मैंने सही टाइम पे देख लिया नहीं तो यार मेरी पेटी बननी तो तय थी। अब यही बंदा इसको मैं नॉक कर देता हूँ और इसके टीममेट बस आ ही रहे होते हैं और मैं इसको इतना बुली करता हूँ ना क्योंकि ये अपने टीममेट को बुला ही नहीं रहा था लेकिन इसको इतना परेशान करने के बाद मैं यहाँ से निकल रहा था। अभी इसके टीममेट इसका बदला लेने आ जाते हैं और देखना यार पूरी स्क्वाड कैसे निपटाता हूँ। यहाँ पे मैं पूरा कंफ्यूज था क्योंकि मुझे लग रहा था ये वाला लास्ट वाला बंदा होगा लेकिन यहाँ पे तीनों बंदे नॉक होते हैं तो यार मतलब ये अलग ही स्क्वाड रहती है। अब यहाँ पे भी यार मैं लास्ट वाले बंदे को खूब ज्यादा बुली करता हूँ लेकिन यार ये अपने लास्ट वाले बंदे को बुलाते ही नहीं है और क्या करें यार कैसे बुलाएंगे, मैंने तीन को निपटा दिया तो यार लास्ट वाला बंदा ऐसे ही डर के आ ही नहीं रहा होगा। तो पहले यहाँ से मैं तुम लोग को फिनिश करता हूँ और लूट लाट के निकलते हैं यार यहाँ से। अब यहाँ पे मैं पूरे मैप में बंदों को ढूंढता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं मिलता। एट द एंड मुझे यहाँ पे आके कुछ फायरिंग के साउंड्स आते हैं तो मैं जाता हूँ यार बंदों को निपटाने और देखना यार यहाँ पे यार दो दो तीन तीन स्क्वाड रहती है तो यार अपन भी किल निकालेंगे यहीं से। और लो यार इसी को बोलते हैं यार मुंह से खाना छीनना, मतलब यार मेरे सामने दो दो इस बंदे नॉक पड़े थे और यार सामने वाला बंदा किल चुरा लेता है और यार मैं भी अपना बदला ले लेता हूँ उसको नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं उसको फिनिश करने की ट्राई करता हूँ लेकिन वो फिनिश नहीं होता, कवर में चला जाता है और यार अच्छा वो फिनिश नहीं हुआ क्योंकि यार उसका टीममेट बाद में आते नहीं अगर मैं उसको फिनिश कर देता तो। और यार मुझे कोई बताओ यार M7 का हिपफायर इतना एक्यूरेट कैसे हो गया, मतलब यार लेट के मैंने तीन चार गोली बस ऐसे मारी थी और यार बंदा नॉक हो गया था।
यहाँ पे यार कोई बहुत खतरनाक से VSS चला रहा था यार, मुझे कोई साउंड ही नहीं आ रहा था कहाँ से आ रहा है, और बंदा मुझे नहीं मार रहा था, मेरी गाड़ी को ब्लास्ट कर रहा था। अब इन लोग के जैसे यार लुटेरे मैंने मतलब आज तक नहीं देखा यार, सब लोग पानी में जाके ड्रॉप लूट रहे हैं, ऐसा कौन करता है यार। मेरे पर कुछ फायरिंग होती है तो मैं जल्दी से कवर में आ जाता हूँ। अब मुझे पता था यहाँ पे एक बंदा कूप के पास कैम्प कर रहा है, और यार वो उसके पास स्नाइपर थी और साथ ही वही VSS चला रहा था, लेकिन यार एक बंदा यहाँ पे भी कैम्प कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था। अब देखना ये वाला ग्रेनेड कितना एक्यूरेट जाता है, इसके लिए यार एक लाइक तो बनता है। इसके बाद मैं उस बंदे का वेट करता हूँ जो कूप के पास रहता है, लेकिन वो आता ही नहीं है। फिर मैं जोन में चला आता हूँ और यहाँ से यार मुझे फुट स्टेप आ जाता है। यहाँ पे यार मेरा पूरा एम चोक हुआ था, अगर यार M7 नहीं रहती तो मैं यहाँ पे निपट ही जाता। जल्दी से यहाँ पे मैं हील करता हूँ, और मेरे अलावा भी एक दो बंदे और बच रखे होते हैं जो कि यार नागिन बन के लेटे पड़े हैं, तो यार अपन को भी यार सलमान भाई बनना पड़ेगा, और देखना यार गाड़ी से मैं सबको निपटा दूंगा। और ये लो अपना हो गया चिकन डिनर, तो होप करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यार मेरे और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर जाके, मैं शॉर्ट्स काफी ज्यादा डालता हूँ, तो हाँ अगर तुम लोग को वरी फोर देखना अच्छा लगता है तो जाओ मेरे और भी शॉर्ट्स चेकआउट करो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।